पंचायत का ये मंच यहाँ पर सज चुका है। अग्रसेन ऑडिटोरियम में आप देखेंगे कि आज एक अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है। पहली बार यहाँ एवन न्यूज की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। पहली बार यहाँ पर ये जो यूथ है सीधा रूबरू होगा सरकार से और सरकार की योजनाओं से। आप देखेंगे कि खचाखच भरा हुआ ये ऑडिटोरियम, ये सभागार, यहाँ बच्चों में जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं, वो भी यहाँ पर एक अनूठी है। तो थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन जोश और खरोश पूरे परवान पर है। आप देखेंगे कि बच्चों ने तैयारियां की हैं और अग्रवाल कॉलेज प्रशासन की ओर से यहाँ तमाम तैयारियां की गई हैं। और इस तरह का ये कार्यक्रम राजस्थान में, राजधानी जयपुर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और ये माध्यम बना है एवन न्यूज, जिसके माध्यम से हम आज के जो युवा हैं उनको रूबरू कराएंगे प्रदेश की सरकार की योजनाओं से। कहना चाहता हूँ इस वक्त एवन जो न्यूज पर सीधा प्रसारण हो रहा है यहाँ पर सामने, लेकिन आप अपने मोबाइल्स पर भी एवन न्यूज यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बीके जी कंटिन्यू, तो एवन न्यूज सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पर। एवन न्यूज का जो टीवी प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर भी हमने लिंक शेयर किया है, आप देख सकते हैं। वहां भी आज ये पूरी दुनिया में ये खास कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और ये पहला प्रयास है किसी भी टीवी मीडिया की ओर से राजस्थान में, जयपुर में, कि सीधा संवाद करने का एक अवसर आपको दिया जाएगा जो सरकार के प्रतिनिधि हैं। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के प्रतिनिधियों से यहाँ बात करेंगे और संवाद करेंगे अपने, क्योंकि युवाओं के लिए जरूरी है। आज पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है और ये जो युवा आबादी, यदि इसको आगे बढ़ाना है और इसको समाज और देश के विकास की धारा से जोड़ना है, तो इस युवाओं को हमको विकास की धारा से जोड़ने के लिए उन्हें रोजगार, उन्हें शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त करना होगा। और यही एक प्रयास है यहाँ एवन न्यूज का और अग्रवाल पीजी कॉलेज का। बच्चों से बात करेंगे किस तरह की तैयारियां है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ ये कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है, बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या तैयारी की है? तो ये बच्चे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे अलग अलग फैक्टर्स। आप बताइए क्या क्या किस क्लास में हैं, क्या पढ़ते हैं आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं इकोनॉमी, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करती हूँ। इकोनॉमी आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स तो अभी यूनियन बजट भी आया है और स्टेट बजट भी आने वाला है, कुछ आपको लगता है कि क्या होना चाहिए बजट में? हाँ, बहुत सारी अच्छी चीजें भी सरकार ने की है और हाँ बहुत बहुत अच्छी उनकी जो फ्यूचर के लिए जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कुछ चीजें हैं जो और होनी चाहिए, उसमें सुधार होनी चाहिए बहुत सारे सेक्टर के। बहुत सारी सुधारों की अभी गुंजाइश है, सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो युवा आबादी है उसको विकास की धारा से जोड़ना है। प्रद्युम्न सिंह जी हैं, एक इनोवेटर भी हैं और यहाँ के प्रशासक हैं, प्राचार्य हैं। किस तरह का ये जो कार्यक्रम है, इसकी थीम है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? एवन टीवी द्वारा आज जो महापंचायत का जो कंडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे महापंचायत लगने वाली है, अग्रवाल कॉलेज के और बाकी सभी युवा सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, इसके जरिए वो अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी उनके संदेह हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो सरकार के साथ में एक रूबरू होना एक बहुत अच्छा प्रयास है एवन न्यूज द्वारा, और अग्रवाल पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स और सारे युवा, और भी युवा यहां पर मौजूद हैं और सारे कॉलेजेस के युवा यहां पर मौजूद हैं और वो सभी सरकार से डायरेक्ट अपने भविष्य के बारे में सीधा वार्तालाप करेंगे। तो पहली बार इस तरह का ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर सजा है और युवाओं को सीधा संवाद करने का अवसर यहाँ मिलेगा, तो ये अनूठा प्रयोग है। आप बताइए सर कैसा ये इंतजाम है और जो प्रयास किया जा रहा है इसके लिए क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो एवन टीवी को साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अग्रवाल कॉलेज के युवाओं को आज रूबरू करने का मौका दिया और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे यूथ डायरेक्ट टच हो सकेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यूथ को अवसर देना अपने आप में उनको आगे बढ़ाना है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, तो ऐसे आयोजन एवन टीवी कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।
यदि यूथ आगे बढ़ेगा तो देश और समाज आगे बढ़ेगा, यही एक प्रयास एवन न्यूज का है। राठौड़ साहब, आप हमारे स्टूडियो में भी पधारे थे, आप बताइए कैसा क्या होना चाहिए, जिस तरह का आज ये प्रोग्राम आयोजित किया जाए, इसके लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा किस तरह का आपने आयोजन किया है। और अच्छी बात यह है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के दोनों तरफ के ही राजनेता और प्रतिनिधि आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे यूथ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और प्रदेश की और ओवरऑल जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर हम फोकस करके, क्योंकि आज एक प्लेटफॉर्म आपने जो उपलब्ध कराया है उसमें डेफिनेटली जो भी राज्य के और सेंट्रल के प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको हम अवश्य कुछ पूछना चाहेंगे। हमारे यूथ भी बैठे हैं, इसकी क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए, तो इन्हीं कुल मुद्दों के लिए जो आपने एक प्लेटफॉर्म सजाया, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है एवन टीवी का। और मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम आप बीच में भी करते रहे, जिससे कि हमको एक फीडबैक मिलता रहे कि जो हमने पहले बात की थी उसका आगे क्या हुआ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे और A1 न्यूज ने ये शुरुआत की है, इसका शुरुआती दौर में स्वागत किया जा रहा है। और जिस तरह से राजनीति के मंच पर कांग्रेस बीजेपी प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूथ महापंचायत है उस पर दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी एक ही मंच पर यहाँ पर आएंगे और युवाओं के साथ संवाद करेंगे, तो एक बेहतरीन मंच सजा हुआ है। आप बताइए सर कि कैसा ये प्रयास है? सर, बहुत अच्छा प्रयास है, और जैसे कि सर ने कहा, राठौड़ सर ने कहा कि ये आगे भी ऐसी प्रयास होने चाहिए। आज हमारे बच्चों को बहुत कुछ बोलने का मौका मिलेगा और एक फीडबैक भी निकल के आएगा जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। तो यहाँ ये मंथन होगा और मंथन से जाहिर सी बात है अमृत ही निकलेगा, क्योंकि ये प्रयास ही अनूठा है। और इस तरह का जो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और इसका सभी तरफ चारों तरफ इसकी सराहना हो रही है और आगे भी ये एक माइलस्टोन साबित होगा। शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए मैडम, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं और ये जो कार्यक्रम है ये किस तरह का प्रयास है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और शिक्षा से रिलेटेड बच्चों की आजकल के ज़माने में हम देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टूडेंट के लिए कि वो आगे हमारा भविष्य बनाता है। तो ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है A1 TV। थैंक। तो सराहना की जा रही है इस प्रयास की, आप बताइए मैडम कैसा ये प्रयास है? ये प्रयास जो है A1 TV का, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली बात कर पाएंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज लगी। अभी अभी हमारा बजट आया और हमें काफी अच्छा बजट देखने को मिला, AI की बात इसमें की गई, इसके अलावा डिजी लॉकर्स की बात की गई। एजुकेशन के लिए काफी अच्छी सोच रही है गवर्नमेंट की, NEP की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। और सबसे अच्छी बात यह कि स्टूडेंट्स की बात जब डायरेक्टली पहुंचेगी सरकार के पास में, तो वो एक बहुत अच्छी हेल्प रहेगी आगे हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी और एजुकेशन सेक्टर के ग्रोथ के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा, युवाओं और सरकार को एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया है A1 न्यूज ने, अनूठा ये प्रयास है और इस प्रयास की सराहना होना लाजमी है। आप बताइए मैडम, क्या आप सब्जेक्ट है, आप कौन सी पढ़ाती हैं और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा प्रयास है A1 TV का, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। ये यूथ हैं और ये ही आगे का करियर डिसाइड करेंगे और आगे का फ्यूचर, तो यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का अच्छा प्रयास है और आगे चल के ये फ्यूचर है इस पूरे कंट्री का, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये शिक्षक हैं जो शिक्षा देते हैं, बच्चों का भविष्य तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते भी है बच्चों को। तो ये बच्चों की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा तैयार है, बच्चे तैयारी है पूरी आउट जोश। तो ये बच्चे यहाँ पर तैयार है, अभी ये थोड़ी देर में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है, हमारे मेहमान यहाँ पर आएंगे और जो स्टूडेंट हैं युवा हैं उनके साथ सीधा संवाद करेंगे और बताएंगे कि सरकारें इन युवाओं के लिए क्या कर रही हैं।
और भी हमारे साथ हैं, शिक्षक हैं, आप बताइए क्या किस तरह का ये कार्यक्रम है और आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बेशक कार्यक्रम बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात पब्लिक से करते हैं, तो आज हमारे युवाओं को ये मौका मिला है कि वो मन की बात डायरेक्टली अपने जो बजट यहाँ पर निकला है इसके ऊपर बात कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस पुट अप कर पाएंगे और बच्चों को डायरेक्टली जवाब मिल पाएगा इस बात का, तो बेहद खूबसूरत प्रोग्राम है। आप तो अर्थशास्त्री हैं, हमारे स्टूडियो में भी आए हैं, तो आप बताइए मैडम कि जो प्रयास यहाँ किया जा रहा है और युवाओं को एक मंच सरकार और युवा के बीच में ये संवाद होने वाला है, क्या कहेंगे इस प्रयास के? ये प्रयास बेशक बहुत अच्छा प्रयास है। क्लास में जब हम जाते हैं तो बच्चे हमसे पूछते हैं, मैम ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, ये वैसे क्यों नहीं हो सकता है, तो उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। बट आज वो खुद सामने से पूछ लेंगे जो नीति निर्माता है उनसे कि वो क्या चाहते हैं और उनके जो जिज्ञासा है उसका वो समाधान ला सकते हैं। युवाओं की जिज्ञासा दूर होनी चाहिए, उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए और ये प्रयास A1 न्यूज की ओर से किया जा रहा है। आप बताइए मैडम क्या कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बच्चे जो जुड़ेंगे सब अपनी मन की बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। पिछली सरकार ने जो योजनाएं ली थी वह सराहनीय थी, वह बहुत से जो सेक्टर क्षेत्र जो थे उसमें तारीफ के काबिल है, तो हम चाहेंगे कि इस प्रयास को भी कुछ अच्छी गति मिले और हमें नई योजनाओं का लाभ सरकार से प्राप्त हो सके। नई योजनाओं को युवाओं तक पहुँचाया जाए ये माध्यम बना है A1 न्यूज। आप बताइए मैडम आप क्या तैयारी करके आए हैं, पहली बार ये प्रयास हो रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद है कि भविष्य के लिए स्टूडेंट्स के लिए सरकार बहुत अच्छा करेगी। बच्चों के भविष्य के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, आगे भी करेगी और ये हम भी इस का माध्यम आगे भी आपके साथ में बनेंगे, साथ ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। आप बताइए मैडम ये पूरा ये प्रयास है कैसा लग रहा है? सर, ये प्रयास मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा और युवाओं के मन में जो जिज्ञासा है सरकार उसका जब जवाब देगी तो युवा आने वाले समय में सरकार के प्रति उत्साहित रहेंगे। तो दीपक, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जो श्री अग्रसेन ऑडिटोरियम में A1 न्यूज और अग्रवाल PG कॉलेज की ओर से ये शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर कितना उत्साह है, कितना जोश है, ये तमाम माहौल इस तरह का बनाया है यहाँ पर। इस तरह का प्रयास पहली बार राजस्थान में यहाँ राजधानी जयपुर में किया जा रहा है A1 न्यूज की ओर से, तो ये जोश, ये शुरुआत है, आगे जैसे